हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग द मीटअप विद मी सोहेल जावेद, और हमारे नए कंफर्टेबल सोफास पे हैं आज अब्बास अली खान. अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. यू आर वेलकम. व्हाट आर यू एंजॉयिंग द मोस्ट? आई एम लविंग कंपोजिंग फॉर कमर्शियल्स. बिकॉज मेरी हमेशा से एक प्रॉब्लम थी, जिससे मेरा भी म्यूजिक बहुत ज्यादा डाइवर्स रहा है. आपने देखा होगा ओवर द इयर्स कि मैं आई डोंट स्टिक टू वन जॉनर. सो मेरी जो म्यूजिक प्रोड्यूसर वाली जो ठरक जैसे कहते हैं ना, वो कमर्शियल्स में निकल रही है. आग जो थी वो निकल रही है. बिकॉज एवरी टाइम आई गेट टू डू समथिंग न्यू. एंड कभी मैं कोई पॉप टाइप म्यूजिक कर रहा होता हूँ किसी को, कभी मैं ऑर्केस्ट्रल कर रहा होता हूँ. ऑल्दो आई एम नोन मोर फॉर माई ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक फॉर कमर्शियल, बट आई एम ब्रेकिंग इन टू कंटेम्प्रेरी पॉप टाइप कमर्शियल एज वेल. तो वो मेरी बड़ी मजे की उसकी ठरक निकल रही है. उसके अलावा आई एम डूइंग अ फिल्म. आई वॉन्ट टू डू मोर फिल्म अगर गाने भी एंड मेनली बैकग्राउंड स्कोर, बिकॉज वो एक बहुत ही बारीक काम है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है. यू नो, इट्स लाइक breathing life into something that is otherwise not you know, music film pe jab aap bithate ho, jab aapke paas nangi film jise kehte hain hum log aati hai, to aap uske bilkul bare aati hai, to us pe jab aap music dalte hain to wo ek tarike ka ek power aapko feel hoti hai ki yaar main agar chahta to usko aise bhi kar sakta tha magar maine aise kar diya. So you know, you're adding your soul to that. So that's, I really enjoyed doing it. So you've done theater background, aapne theater ke liye kiya, unki themes ki hain. You do your own music, TVC kar rahe hain, film ka wo kar rahe hain. Challenging kya hai jahan lagta hai ki acha yahan thoda sa? Mere khayal se mere liye sabse zyada challenging apna kaam karna hai, jo main apna music banana apne liye. Aisa kyun? Because I never get satisfied. I always feel that I could have done something else. But you think you overthink and aap zyada? I do overthink, and I'm sort of a perfectionist. Okay. But mere khayal se mujhe apne aap ko satisfy karna jo hai wo bahut, kyunki TVC ke andar bhi film ke andar bhi aap TVC mein aap director ki baat sun rahe hote hain, references milte hain. Film ke andar bhi bade references most of the time bahut references milte hain. Most of the time film ke andar bhi jo hai unhone apni ek reference music lagaya hota hai jisko apne close rehna padta hai, lekin apne to ab aap kar dete hain aur call bhi unki hoti hai. Isme aapki apni call hoti hai, aur jo sawal mere zehen mein aata hai na, woh aata hai ki jab main किसी और के लिए इतना अच्छा कर सकता हूँ तो मुझे अपने लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा करना चाहिए. Correct. और वो कभी होता नहीं है. सो अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैंने जो है ना, आई हैव स्टार्टेड लेटिंग गो कि यार कंटेंट ज़्यादा आना ज़रूरी है, और अगर आप दिल से कुछ कर रहे हैं तो अच्छा हो गई. सो यू डोंट नीड टू लाइक पर उसको एक एक चीज़ को आप वो कर रहे हैं. बट आपको लगता है कि आपको मुश्किल होती है किसी जगह पे टू jump between these characters that you, because you're playing a character. कि आज मैं TVC बनाऊंगा का music बनाऊंगा तो आज मेरा ये character है. और but do you have difficulty कि जब आप jump करते हैं कि अच्छा अब मैं दावर का theater करूंगा और अब मैं चले थे साथ का background करूंगा, तो वो है मुश्किल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती. मैं बहुत जल्दी switch कर जाता हूँ musically. Okay. शायद ये मेरी एक plus point है. आपका जो नया काम जो है उसका बहुत बड़ा chunk जो है वो TVC को जा रहा है. Do you feel कि वो कहीं पर जाके सोल को करप्ट कर देता है या सोल निकाल लेता है? बिकॉज़ यू आर वर्किंग ऑन टू मेनी, यू आर वर्किंग विद कांस्टेंट डिक्टेशन. देखिए, मैं जब भी किसी टीवीसी के ऊपर पहला अटेम्प्ट लेता हूँ ना, तो आई पुट एवरीथिंग इनटू इट. ओके. माय हार्ट, माय सोल, व्हाटएवर, वेदर देयर इज अ रेफरेंस और नॉट. बिकॉज इवन इफ देयर इज अ रेफरेंस एंड इफ देयर इज अ साउंड दैट आई हैव टू डू, तो वो मैं अपना उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐड करता हूँ. मतलब okay. के थोड़ी सी ट्रिकी है कि डायरेक्टर को ऐसा लगे भी कि ये वही साउंड था, या एजेंसी को. मेनी पीपल आर इन्वॉल्व एज यू नो, एंड यू हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन. करेक्ट. तो और मेरा अपना भी उसमें कुछ हो. बट वंस अगर आगे से कोई इस तरह की बात आती है कि नहीं, आई हैव बीन वैसे वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा म्यूजिक जो है वो शायद ही कोई आउट ऑफ अबाउट 85 कमर्शियल्स दैट आई हैव डन इन द स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स. वाओ. सिर्फ दो टाइम ऐसा हुआ है कि कोई 5 रिविजन से ज़्यादा हुई हूँ. I am famous. I am not like मैं अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा, but I am famous for के मेरा जो म्यूज़िक है वो एक या दो दफ़ा के अंदर निकल जाता है. ये तो मैं क्योंकि मैं और अब्बास I've been lucky कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ. सो ये at times ऐसा हुआ है कि मैंने इनको फ़ोन करके बोला है कि हाउ डिड यू नो कि हम ये बात कर रहे थे. वैसे सर बस, लेकिन जो आपका सवाल था वो ये था कि अगर 2 से 3 दफ़ा के बाद कोई फिर भी कोई चीज़ आ रही है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यार you know, अब मेरे इसमें इनपुट का फायदा नहीं, तो मैं कहता हूँ कि सर आप जो कहेंगे वो हो जाएगा. एंड दिस इज ये फील्ड इस तरह की है, बिकॉज इतने ज्यादा लोग हैं जिनको आपको सेटिस्फाई करना है.
कि डायरेक्टर कह रहा है ओके बॉस, उसके बाद एजेंसी की तरफ से कोई चेंज आ जाता है, एजेंसी को आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर क्लाइंट की तरफ से कोई चेंज आ जाता है. सो यू नीड टू केटर टू एवरीवन. ओके, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल डूइंग दैट. सो आपकी ओपिनियन में, आपकी हम्बल ओपिनियन में, ये पॉप सीन की मौत का जिम्मेदार कौन है? हाँ, ये तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक बहुत दूर तक जाएगी. आई थिंक पॉप म्यूजिक हमारा इफेक्ट तब होना शुरू हुआ. एक तो सबसे पहली बात ये था कि जो डायनामिक शिफ्ट आया है फ्रॉम टीवी टू ऑनलाइन, बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, कहते हैं जी अभी भी बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं मगर वो टीवी पे म्यूजिक नहीं देखते अब. ठीक है, वो टीवी पे न्यूज देखते हैं, टीवी पे ड्रामे देखते हैं. ठीक है ना, टीवी म्यूजिक जो है या म्यूजिक वीडियो जो है वो अब ऑन डिमांड हो गई है. बिल्कुल, जब मेरा दिल करेगा मैं देखूंगा, मैं एक चैनल पे वेट नहीं करूंगा न्यूज, अपनी पसंद की डिवाइस. हाँ, अपनी पसंद की डिवाइस पे देखूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड एम्ब्रेस इट. सेकेंडली, जो एक पूरा एक टाइम आया था जब आतिफ या जल का जब गाना जो था वो महेश साहब ने लिया था, तो लोगों को ऐसा लगा कि बस यही म्यूजिक है और हमें यही करना है. सो उसके बाद जो है वो लोगों ने उसी तरह का साउंड करना शुरू कर दिया, वही आतिफ की तरह के अलाप हर बंदे ने गाना शुरू कर दिया, टोनैलिटी उस तरफ जाना शुरू में टिंग टिंग टिंग. हाँ, वो सारा वो एक तरह का. एंड हर बंदा जो था वो महेश भट्ट के लिए गाना बनाना शुरू हो गया, वो इमोशनल आउटबर्स्ट. हमारे एक दोस्त है नोमान जावेद, वो कहते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट इस एक जॉनरा बन गया. हर बंदा उस टाइप, तो उसमें जो हमारा जो अपना पॉप साउंड था वो कहीं पर एकदम वैनिश हो गया और हर बंदा जो है वो इस चक्कर में लग गया. ठीक है, तो लेकिन उसी दौरान कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे जो के काम कर रहे थे और अब वो फ्रंट पे आ रहे हैं. सो फखर भाई हमारे जो दोस्त हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मेरे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने मुझे कहा था कि यार 10 साल जो है ना वो एक टाइम लगता है, जब भी कोई डाउनर आता है ना तो 10 साल लगते हैं. एंड आई हैव सीन दैट बिकॉज मैं तो म्यूजिक कर रहा हूँ जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स के जमाने से, तो मैंने देखा है डाउन आया, उसके बाद फिर इंडस के टाइम पे अप आया, फिर डाउन आया, अब जो है वो दोबारा वापस म्यूजिक आ रहा है. एंड आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नया साउंड अब आएगा और हमारा पॉप म्यूजिक रिवाइव करेगा. लेकिन ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट है, इसके अलावा क्या आपको ये भी लगा कि हमारे जो नए म्यूजिशंस या आर्टिस्ट या जो भी सिंगर्स हैं वो अब मेहनती नहीं है और वो ढूंढने नहीं निकलते कुछ, वो बस कहते हैं बताओ यार क्या कौन बना दे कोई कुछ हो जाए. टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, मगर बात ये है ना कि जब डाउन टाइम आता है ना तो एवरीबॉडी गेट्स डिसहार्टेंड, बिकॉज़ सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो कहते हैं मैं क्यों करूं. ठीक है ना, फिर उसमें से बिल्कुल कुछ लोग जो पागल लोग हैं वो रह जाते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने लिए करना है. और वो जो अपने लिए कर रहे होते हैं उन्हीं में से फिर लोग निकल के आते हैं. जब आतिफ आए थे या जल जब आया था, आदत जब आया था, विच वॉज फिनोमिनल. एंड वो उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त भंगड़ा हो रहा था, जवाद अहमद चल रहे थे, अबरार भाई चल रहे थे, ये वाला साउंड चल रहा था, तो उसमें से एकदम एक चीफती हुई आवाज आई जिस जो कि अगर शायद उससे 5 साल पहले आ जाते लोग कहते हैं क्या है. यू नो जो यूनिक होगा जिसमें ओरिजिनलिटी होगी वो शायद थोड़े अरसे के बाद क्लिक करे, लेकिन करेगा. यूनिक अब्बास इतनी जल्दी आता नहीं है, टाइम लगता है यूनिक को आने में. जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ. That is difficult. It is difficult because you tend to follow भेड़ चाल आप लग जाते हो कि यार ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं, ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं, मगर उससे जब जो बंदा कुछ और करेगा उसके अलावा तो वो आएगा फिर और वो रहेगा. अब्बास अली खान मोस्ट सिंगल्स और अब्बास अली खान की एल्बम आने वाली है कुछ, तमाम आलम मस्त लास्ट एल्बम जो थी वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट पॉप एल्बम्स या सूफी एल्बम्स इन द रीसेंट आई वुड से 10 इयर्स. क्या ज़्यादा होगा, अब्बास अली खान सिंगल्स इनिशियली, देन कंपाइल्ड विद अ फ्यू अदर सॉन्ग्स इन द फॉर्म ऑफ एन एल्बम एंड देन आई विल रिलीज़. और अब की बार भी कोई एक स्पेसिफिक कोई? नहीं, अब की बार कलर्स अलग अलग, बहुत डिफरेंट कलर्स होंगे, कुछ शॉकिंग कलर्स होंगे. मुझे आदत रही है हमेशा से अपनी लिसनर्स को ऑडियंस को शॉक करने की. जिसने आप सुन रहे हैं एल्बम उठा लें, इट वाज लाइक अ मिक्स प्लेट. यस, तो अभी भी यही है. आई डोंट वांट टू स्टिक टू वन जॉनरा. मैं आई एम डूइंग समथिंग व्हिच माइट कम एज अ शॉक टू अ लॉट ऑफ माय लिसनर्स. आई एम डूइंग अ कोलैबोरेशन विद अ बैंड कॉल्ड समवॉट सुपर.
who are EDM producers. Yes. So that's going to be like a totally different sound. Okay. It's my composition, but they are producing it. Okay. More electronic sounds will be heard. ये अब next यही आ रहा है. What are you longing to do? यार अभी तो जो मेरा हमेशा से एक dream है ना वो मैंने एक 70 piece orchestra को जो है ना वो उसके लिए कुछ करना है और मैंने okay. अगर मैं खुद कंडक्ट अब आइडियली तो मैं कंडक्ट करना चाहूंगा okay. लेकिन अगर ना भी कंडक्ट किया तो मैं लाइव बैठ के अपना कोई पीस एक लाइव ऑर्केस्ट्रा के ऊपर सुनना चाहूंगा यहां ऑर्केस्ट्रा एग्जिस्ट करता नहीं यहां तो नहीं करता नहीं करता लेकिन वेरेवर वेरेवर इन द वर्ल्ड सो इफ आई गेट द बजट और द चांस फॉर अ फिल्म और फॉर एनीथिंग एल्स ओके तो आई वुड लव टू डू दैट एंड कम अप विद न्यू साउंड्स यू नो न्यू कम अप विद अ न्यू साउंड फॉर माय ओन म्यूजिक एंड बस ये चैलेंज जो है ना ये छोटे छोटे चैलेंजेस जो है ये चलते रहे okay. फिल्म म्यूजिक पे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी है और आपकी नज़र भी है लेकिन जो नज़र है वो क्या कह रही है आपको वो हम क्या स्पेशली व्हेन यू कम टू फिल्म सॉन्ग्स जी वहाँ पे क्या डू यू थिंक हमारी ग्रोथ वैसे हो रही है जैसे होनी चाहिए नहीं आप? नहीं बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा इन मोस्ट केसेस बहुत ज़्यादा बॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं हम लोग वही स्पेशली जो हमारी रोम कॉम्स हैं उसके अंदर जिस तरह का म्यूजिक आ रहा है वो हमारा बेंचमार्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड बन चुका है आई एम नॉट अगेंस्ट बॉलीवुड आई वॉच इंडियन फिल्म्स आई लाइक इंडियन फिल्म्स बट वी नीड टू मेक आर ओन साउंड एंड वो तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग वहाँ से बिल्कुल इस तरह की ना वो जो घोड़े के जो वो होते हैं ना वो लगा के काम ना करें आइसोलेशन के अंदर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार हमारा अपना साउंड क्या और मैं तो ये समझता हूँ कि यार हमारा बैंड सीन इतना ज़्यादा अच्छा है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दे दें उनको फिल्म एक बैंड को दे दें क्या यार आप बनाओ पांच लव्ज अब्बास इनका आप जुमला बना सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं स्टेटमेंट दे सकते हैं हम आपके साथ ये करेंगे फिल्म म्यूज़िक को बदलने की शदीद ज़रूरत है सुन लें आइटम नंबर नहीं होना चाहिए होना ही नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए ओके लव इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू It's essential to it's inspiring. It's essential for an artist, especially to get more, to be motivated and to move forward in whatever he's doing. Auto tuner is as important and has become as important as a compressor, maybe. And क्या करें हमें वक्त के साथ चलना है लगाते हैं लोग पहले तो कभी कभी गम था दिस वॉज अब्बास अली खान एंड दिस वॉज सो मच फन यू वॉचिंग द मीटअप विद मी सोहेल जावेद अब्बास थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यूर वेलकम प्लेजर